सो so, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि लैबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज वेर इट इज इनफैक्ट प्रेजेंट तो अगर डिजीज होगा तो वो जो ब्लड टेस्ट है वो 99% उसको डिटेक्ट कर पाएगा कि हाँ डिजीज है हाउएवर द टेस्ट आल्सो यिल्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ हेल्दी पर्सन टेस्टेड तो यहां पर क्या बोला लेकिन टेस्ट जो है वो 0.5% फेल करेगा मतलब एक हेल्दी पर्सन को बोलेगा कि वो डिजीज है उसके बाद दूसरा क्या बोला है कि इफ द डिजीज गिवेन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव तो पहले मुझे यह जानना है कि क्वेश्चन में क्या क्या बोला है कौन कौन सा इवेंट के बारे में बात किया है तो अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे

तो और एक चीज है यहां पर बोला क्या है कि लैबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज्रेड परसेंट इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग डिजीज वेन इट इज इनफैक्ट प्रेजेंट तो डिजीज है वो भी होगा पर्सन हैज अ डिजीज है और पर्सन हैव अ डिजीज क्योंकि यहां पर एक फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट का बात आ रहा है तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट में मतलब क्या है कि अगर पर्सन हेल्दी हो मतलब एक ऐसा पर्सन जिसमें डिजीज ना हो उसका भी टेस्ट रिजल्ट बोल रहा है कि हाँ उसका डिजीज है तो यहां पर जो टेस्ट रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव दिखाता है है कभी नेगेटिव का बात यही नहीं क्वेश्चन में और दूसरा क्या है पर्सन हैज अ डिजीज अ पर्सन हु हुव अ डिजीज तो सिमिलरली ये जो डिजीज का चक्कर है अगर मैं पर्सन हैज अ डिजीज को मैं डी लेता हूं तो पर्सन हु डिजीज तो उसके लिए मुझे दूसरा इवेंट लेने का जरूरत नहीं है क्यों तो जैसे कि मैं बोलता हूं कि फेल को हम लोग नॉट पास भी कह सकते हैं तो और नॉट पास मतलब पी कॉम्प्लीमेंट बोल सकता हूं तो वैसे ही अगर मैं डी लेता हूं पर्सन हु डिजीज तो डी कॉम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा कि पर्सन है डिजीज मतलब वो हेल्दी पर्सन है तो यहां पर बेसिकली दो इवेंट आएगा एक इवेंट होगा डी डी के जगह पे हम लोग लिखेंगे पर्सन पर्सन डिजीज उसके बाद लेंगे टी, टी को जहां पर ले गए हम लोग द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड ये दो लेने के बाद अब मैं सोचूंगा क्या निकालने बोला है मुझे तो क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज अ डिजीज मतलब पर्सन में डिजीज है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के बाद मुझे person has a disease है वो निकालने बोला है मतलब यहाँ पर person has a disease कौन सा इवेंट है d है तो मुझे pd निकालने बोला है स्लैश गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव मतलब टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव क्या था वो t था तो मुझे d स्लैश t निकालने बोला है ये निकालने बोला है तो जो लिखने का होता है वो मैं बाकी क्वेश्चन में तो लिखा दिया तो वो सजेस्ट कर लेना मैं बस यहाँ पर एक जस्ट एक्सप्लेन कर दूं गाइस यहां पर तो मुझे डी स्लैश टी निकालने बोला है तो अब मैं सोचूंगा क्या ये क्वेश्चन पढ़ के रिवर्स का वैल्यू मतलब निकाल पा रहा हूं मतलब क्या है मुझे ये जानना है तो टी स्लैश डी जो है वो है कि यहां पर मुझे पता है कि आदमी में डिजीज है डिटेक्ट कैसे कर पाएगा अब हंड्रेड परसेंट उसका मतलब क्या टेस्ट रिजल्ट को डिटेक्ट करना है कि वो पर्सन में डिजीज है तो वो कहां से मिल रहा है अगर हम लोग पहला जो लाइन है वो पढ़ेंगे पहले लाइन में क्या बोला है कि प्रेजेंट तो डिजीज है और वो टेस्ट बता रहे हा वो डिजीज है तो ये है नाइंटी नाइन परसेंट इफेक्टिवली वो बता पा रहा है उसका मतलब पीटी स्लैश डी का जो वैल्यू है वो है तुम्हारा नाइंटी नाइन बाई हंड्रेड

ऊपर में लिखते हैं तो P D/ स्लैश डी क्या होगा तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे तो फर्स्ट थिंग हम लोग इसका ऑपोजिट लिखेंगे D तो उसका मतलब मुझे D का भी प्रोटी निकालना पड़ेगा तो मैं यहां पर लिख दूंगा P D अब नीचे में क्या होगा हमें पता है प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मुला क्या है नंबर ऑफ फेवर बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो नीचे में सेव टू सेव पीटी स्लैश डी पी डी प्लस अब बात है ये डिजीज है टेस्ट डिटेक्ट कर रहा है अब जो टेस्ट है पीटी स्लैश हेल्दी पर्सन का भी होता है तो ये पी डी डैश का भी होगा पर्सन हैव अ डिजीज ये भी चेक करेगा तो अब एक एक करके देखते हैं इनका वैल्यू क्या क्या आ रहा है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट पीटी स्लैश डी का वैल्यू ऑलरेडी पता है वो 99 नाइन बाई है दूसरा है पी डी वट इज अ वैल्यू पीडी पी डी का मतलब क्या है डी का मतलब है पर्सन हैज अ डिजीज तो पीडी का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन हैविंग अ डिजीज तो उसका वैल्यू क्या है इज द वैल्यू क्या क्वेश्चन में दिया है यहां पर बोला है जीरो पॉइंट वन परसेंट इफ यू सी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीरो पॉइंट वन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज अ डिजीज मतलब जीरो पॉइंट वन परसेंट लोगों में डिजीज है तो जीरो पॉइंट वन परसेंट लोगों में डिजीज है तो वही तुम्हारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ़ हैविंग का डिजीज तो उसको मैं लिख दूंगा दूसरा देखो डी टी स्लैश डी डैश मतलब पहले इसका मतलब समझ रहे हैं मुझे इसका मतलब क्या है टी स्लैश D का मतलब क्या है इसका मतलब है कि पर्सन में डिजीज नहीं है लेकिन और बोल रही, उसमें डिजीज है। तो वो तो हो गया और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट में हमें कितना दिया हुआ है तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड इन टू पी डी स्लैंडी कॉम्प्लीमेंट हवे पता है पीडी प्लस पीडी कॉन्ट इज वन मतलब कोई चीज हुआ या कोई चीज नहीं हुआ इन के कुछ हो ही नहीं सकता उसका मतलब नाइंटी नाइन बाई हंड्रेड सॉरी नॉट नाइन्टी नाइन बाई हंड्रेड पी डी डैश का वैल्यू है जीरो पॉइंट वन बाय हंड्रेड जीरो पॉइंट वन बाय हंड्रेड तो यह बच जाएगा हंड्रेड माइनस जीरो पॉइंट वन बाई हंड्रेड तो ये 100 आएगा। 100. अब एक चीज करते हैं इसको करने के लिए तो यहां पर देखते हैं हम लोग क्या क्या कॉमन है तो अगर देखोगे कि हर एक कॉम्पोनेंट में यहाँ पर हर एक टर्म में ऊपर में एक टर्म है नीचे में दो टर्म है हर एक टर्म में दो दो हंड्रेड है और हर एक टर्म में हर एक टर्म में नहीं है, दो ऊपर में एक एक टर्व जो ऊपर में एक टर्व है उसमें डेसिवल के बाद एक नंबर है यहां पर भी डेसीवल के बाद एक नंबर है एक सेकेंड डेसिवल के बाद एक नंबर है के बाद एक नंबर है लेकिन यहां पर डेसीवल के बाद दो नंबर है तो मैं क्या करूंगा डेसीवल का जो नंबर है डेसिवल के बाद वाला जो नंबर है वो सेम टू तो सेम मैच करा देंगे तो उसके लिए मैं एक जीरो ऐड कर दे रहा हूं यहाँ पर एक जीरो ऐड कर दे रहा हूं तो मैं क्या करूंगा क्या क्या हटाऊंगा डायरेक्टली हटा सकता हूं हंड्रेड इंटू हंड्रेड हटा दूंगा और डेसिवल के बाद दो दो जीरो हटा दूंगा बेसिकली डेसिवल ही हटा दूंगा पूरा डेसिवल ही हटा देंगे क्योंकि हर टर्म में डेवल के बाद दो दो नंबर है तो हटाने से क्या हो जाएगा तब मेरा वैल्यू ऊपर में नाइन नाइन इंटू डेसिवल हटा दिया तो टेन डिवाइड बाई डी से व, और प्लस यहां पर हो जाएगा फाइव इंटू नाइन 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 अब इसको सॉल्व कर लेना तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा